बात करते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लेनेरिया क्योंकि एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके जो है वो कुछ स्पीशीज पैरासाइट्स होती हैं तो इसकी बॉडी भी जो है वो डॉर्सली वेंटिल कंप्रेस्ड होती है यानी कि एक स्मॉल फ्लैप शेप में होती है सो दैट्स फाइव प्लेनेरिया जो होता है उसके अंदर भी जो उसकी फूड होती है वो मोस्टली डिफ्यूजन की प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो रही होती है अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो लेयर्स एंड एंडोडर्म एंडोडर्म जो जो होती है है वो उसके अंदर जो होता वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो मटेरियल्स अंदर भी आते हैं और बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इस तरह से हाइड्रा और प्लेन एरियाज और जितने भी ये जो फ्लैट वर्म्स थे और लोअर ऑर्गेनाइजेशन थी एनिमल्स के अंदर ये जो थे डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे अपनी फूड की मूवमेंट के लिए थैंक यू